राम मंदिर के विस्तार के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से खरीदी गई जमीन को लेकर हुए कथित घोटाले के मामले में विपक्ष लगातार ट्रस्ट को घेर रहा है। इसी क्रम में कांग्रेसी नेताओं ने उक्त मामलों में जांच कराने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा व आरएसएस के लोगों ने पहले भगवान राम के नाम पर लोगों को गुमराह किया, अब ट्रस्ट के लोग राम मंदिर के नाम पर चंदे के पैसे का दुरुपयोग कर लोगों की आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि जमीन खरीद मामले में हुए घोटाले की उच्च स्तरीय जांच करा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि यदि ट्रस्ट में शामिल चंपत राय, अनिल मिश्रा, इसके अतिरिक्त अयोध्या के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो पूरी कांग्रेस पार्टी लोगों के घर घर जाकर उनको बेनकाब करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी तो हम लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं, आगे इस मामले को लेकर आंदोलन भी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक टीवी। धर्मस्थली और जन्मस्थली पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हमेशा वोट की राजनीति की है, हमेशा प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम को वोट के लिए इस्तेमाल किया है, आज वही भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग प्रभु श्री रामचंद्र के नाम को और उनकी आस्था से खिलवाड़ करने का काम किया है। उनसे उनके नाम पे चंदा करोड़ों रुपए बटोरा जा रहा है। पूरे देश से लोगों ने प्रभु श्री रामचंद्र में आस्था व्यक्त करते हुए करोड़ों करोड़ों रुपए चंदा दिया। उस चंदे के पैसे का दुरुपयोग करके आप अभी हाल ही में देखा किस तरीके से 2 करोड़ रुपये की ज़मीन 10 मिनट बाद 18.5 करोड़ रुपये में खरीदी जाती है। तो ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी के भक्तों को साथ उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। इसे लेकर कांग्रेस पार्टी आदरणीय प्रियंका गांधी जी के आदेशानुसार, आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी के निर्देशानुसार हम कांग्रेस जन जो ये भ्रष्टाचारी ट्रस्ट में बैठे अनिल कुमार मिश्रा, चंपत राय और यहाँ का मेयर ऋषिकेश उपाध्याय, अगर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती, हम कांग्रेस जन आज ज्ञापन दिए हैं इन भ्रष्टाचारियों को बेनकाब करने के लिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जिन भक्तों ने उन्हें चंदा दिया है उनके घर घर जा कर के तुम्हें बेनकाब करने का काम करेंगे और सड़क पे आंदोलन खड़ा करने का काम करेंगे। हम मांग करते हैं उच्च स्तरीय जाँच करा करके इन भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा जाए। अनिल मिश्रा, चंपत राय, ऋषिकेश उपाध्याय और ट्रस्टियों में और भी जितनी खरीदारी हुई है जो मंदिरों में, जो भी इस ट्रस्ट के माध्यम से उसकी जांच की जाए, उच्च स्तरीय इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। किसको दिया आपने? अभी कोई अतिरिक्त मजिस्ट्रेट साहब आए थे, उन्हीं को ज्ञापन दिया हम लोगों ने। अभी तो आज ज्ञापन दिया है, अगर इस पे सरकार ने चेती नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनकी देखरेख में, केंद्र सरकार के देखरेख में ट्रस्ट बना है, उसके बावजूद इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतना बड़ा घोटाला, प्रभु श्री रामचंद्र जी के आस्था के साथ लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको जनता माफ नहीं करेगी।